जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में आग लगने से झुलसी युवती ने इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया है। वह चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह 70% झुलस गई। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां वह जिंदगी से जंग हार गई। युवती की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। गरौठा के ककरवई थाना क्षेत्र के कैरोखर गांव निवासी सरोज पुत्री मोहनलाल 12वीं की छात्रा थी। इसी साल उसने एडमिशन नहीं लिया था। बड़े भाई राजपाल ने बताया कि घटना 21 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे की है। पिता खेत पर गए हुए थे, जबकि मां शकुंतला कचरा फेंकने के लिए बाहर गई थी। छोटी बहन सरोज घर पर चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। आग लगने के बाद सरोज आंगन की तरफ भागी, तब वहाँ खेल रहे बच्चे चिल्लाते हुए भागे। इस पर आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। तब तक सरोज 70% झुलस चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने उसको झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झांसी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी और बच्चे शादी में गए हुए थे, पिता खेत पर थे। जब लौट कर आए तो बेटा फंदे पर लटका हुआ मिला। युवक की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बड़ागांव के परसर गांव निवासी अंगद यादव पुत्र मूरत सिंह यादव खेती करता था। उसके भाई अमित ने बताया कि बहन के ससुराल मथनपुरा में शनिवार को शादी थी, इसलिए अंगद यादव की पत्नी और बच्चे शुक्रवार को मदनपुरा चले गए थे। घर पर अंगद और उसके पिता थे। शनिवार शाम को अंगद को भी शादी में जाना था। दोपहर में पिता खेत पर चले गए, जबकि अंगद घर पर अकेला था। शाम को पिता लौट कर आए तो अंगद का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। यह देख पिता बेसुध हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल करने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया गया। अयोध्या मिथिला की तरह बुंदेलखंड की अयोध्या। बुंदेलखंड की अयोध्या यानी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में भी भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह महोत्सव की धूम है। यहाँ 3 दिन का विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी सोमवार को भगवान का विवाह होगा। महोत्सव के लिए 3 दिन तक ओरछा में अयोध्या और मिथिला की झांकी दिखेगी। शनिवार से विवाह की रस्में शुरू होंगी और भगवान श्री राम और माता सीता की तेल की रस्म निभाई गई। निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर ने मंडप का पूजन किया। रविवार को मंडप पूजन और नगर भोज होगा। सोमवार को राम राजा सरकार दूल्हा बनेंगे। नगर में बारात निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान जानकी मंदिर पहुंचकर सीता माता से विवाह करेंगे। संविधान दिवस पर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में वीर भूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जे राम ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई, उसके सतत अध्ययन करने को कहा। उन्होंने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन देश के विकास के लिए आवश्यक है। कहा कि सभी को अपने घरों में संविधान की मूल प्रति को रखना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए विस्तृत अध्ययन की सलाह देते हुए कहा कि जीवन में सफलता हेतु शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण अधिकारी सविता देवी अशोक मिश्रा ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर विस्तार से प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं को अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। राम विवाह पंचमी के अवसर पर आज महानगर में भव्य राम बारात ने भ्रमण किया। डीजे तथा बैंड बाजों की धुनों के बीच राम भक्त बीच सड़क पर थिरकते हुए नजर आए। मेहंदी बाग स्थित श्री राम जानकी मंदिर से शुरू हुई यह बारात महानगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद वापस मंदिर पर आकर समाप्त हुई। बारात में भगवान राम, माता सीता, वीर हनुमान, भ्राता लक्ष्मण आदि के स्वरूप चल रहे थे। बग्घी तथा घोड़ों पर सवार स्वरूपों ने बारात को और भी आकर्षक बना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, महिलाएं तथा पुरुष बारात भी शामिल हुए। भ्रमण के दौरान बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
यातायात माह के आखिरी दिनों में यातायात पुलिस ने आज जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जगह जगह चलाए गए इस चेकिंग अभियान के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवक भी यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी निभाते रहे। स्थानीय लाइट चौराहे पर बड़ी संख्या में विभिन्न अनियमितताओं को लेकर वाहनों के चालान भी किए गए। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने तथा कार चालकों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दी गई। चेकिंग अभियान के दौरान दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठा कर जा रहे वाहनों का भी रोककर चालान किया गया।